तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। अशोक शर्मा भाई जी पिछले 14 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आपने और मधु बहन ने एक साथ दीपा दीदी से साप्ताहिक कोर्स किया। रजौरी गार्डन में आपने रुक्मणी दादी जी और शक्ति दीदी की विशेष पालना ली। शांति और अंतर्मुखता आपका विशेष गुण है। सेवाओं में हर प्रकार से खुद को अवेलेबल रखना और अथक रूप से सेवा करना आपकी खासियत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक दो के अनुभवों का लाभ लेते हैं, तो अशोक भाई जी, ईश्वरीय सेवा आपका विशेष बल है। हम देखते हैं आप बहुत ही अथक रूप से हर सेवा में सबसे आगे रहते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से सेवा करते हैं। ईश्वरीय सेवा आपके निजी प्रसाद में क्या प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद कि मुझे इसके लिए बुलाया गया कि मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं। तो बाबा कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सेवाओं में अपना समय बिताना चाहिए, या याद की यात्रा में समय बिताना चाहिए। इसलिए जो भी सेवा अर्थ कार्य मिलता है, मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना चाहता हूं। तो जहां कहीं भी सेवा का मौका मिलता है तो उसमें मैं अपने आप को उपस्थित रखता हूँ। जब हम सेवाओं में बिजी रहते हैं तो हमें अपने पुरुषार्थ में एक विशेष बल मिलता है और ब्लेसिंग भी मिलती है, और इसमें हमें याद में रहने में आसानी रहती है। अधिक समय तक उसको उसी कार्यक्षेत्र में रहते हुए सेवाओं में हम बाबा को अधिक से अधिक याद कर सकते हैं। अब दोनों एक साथ ही करते हैं, प्रसाद भी और बाबा की सेवा भी, जिससे आपको बहुत बल मिलता है। तो बाबा ने कहा है कि कर्म क्षेत्र में रह के मुझको अधिक से अधिक याद करना है, तो सेवा भी एक तरह से कर्म क्षेत्र ही बन जाता है। तो सेवा में रहेंगे तभी याद रहेगा बाबा की याद में। तो आप कर्म योगी बन के सारे सेवा भी करते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर भाई जी। जैसे कि आपने बताया है कि आप विशेष कर्म करते हुए बाबा की सेवा में कर्म योगी बन के आप सेवा करते हैं, तो भाई जी आगे जैसे कि आप लौकिक में और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। लौकिक और अलौकिक का बैलेंस जो है, बाबा ने कहा है कि आपको अपने इस मार्ग के अंदर रहते हुए दोनों का बैलेंस रखना है। तो अधिक से अधिक मेरे को ज़्यादातर इतना लौकिक में काम नहीं रहता, अगर रहता भी है तो मैं जीवन में अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ। क्यों फ्री होते हुए कोई भी दूसरा लौकिक में कार्य रहता है तो किसी दूसरे को सौंप कर मैं इस अलौकिक कार्य में जुड़ जाता हूँ। तो आप एवर रेडी रहते हैं ऑल टाइम की बाबा की सेवा के लिए, पहले ही रेडी। तो बाबा ने कहा है कि पहले बाबा की सेवा, क्योंकि इतने वर्षों से जिनको हमने ढूंढा पहचाना वो अब हमें कई जन्मों के बाद मिला। बाकी लौकिकता में तो हम कई वर्ष बिताए, कई जन्म बिताए बल्कि, तो उसमें हम बाबा से तो इस अंतिम जन्म में, जो बाबा का कहना है कि अंतिम जन्म में ही मैं बच्चों से आकर के मिलता हूँ। तो जब अगर ऐसा चांस बाबा की पहचान पाकर हमें सेवा अर्थ मिल रही है, तो सेवा तो बाबा के कार्य में हमें लगकर करनी ही है। बहुत सुंदर भाई जी। तो भाई जी, हम जानना चाहते हैं आपको ज्ञान, आप ज्ञान में कैसे आए? ज्ञान में कैसे आए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था, बाकी अपने इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, बाकी सिर्फ इस रास्ते से गुजरता था 30 वर्षों से, देखता था कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज का कोई यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, पर कभी ध्यान नहीं दिया कि इसमें क्या होता होगा। तो अचानक ही एक दिन घर में बैठे हुए थे, लौकिक
बर्थडे था हमारा, जन्माष्टमी का दिन था, तो उस दिन हम भक्ति मार्ग से, जैसे कहते हैं कि बाबा ने कहा भक्ति के बाद ही ज्ञान मार्ग में आना होता है, होती है, तो एक उस दिन बैठे हुए तो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में जैसे भक्ति में हम जाया करते थे पर कई वर्षों से ही नहीं जा रहे थे, तो उस दिन अचानक बैठे बैठे ख्याल आया, क्योंकि युगल जो हमारी है वो पांडव भवन के पास उनका निवास था, तो उनको ऐसे ही कुछ याद आ गया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर कार्यक्रम कुछ जन्माष्टमी के ऊपर होता था, तो दोनों ही ऐसे उठ के खड़े हो गए, अचानक ही शाम का समय था, और निकल आए और रजौरी गार्डन क्षेत्र में पहुँचे। आते ही जो कुछ भी अंदर प्रदर्शनी लगी थी उसको बहन ने समझा रही थी, तो बहन ने समझाया, दीपा बहन ही सबसे पहले हमारे को वहाँ पर चित्र पे, पहले ही दिन जाते ही उन्होंने पहला चित्र समझाया, प्रदर्शनी लगी हुई थी ग्राउंड में, तो उसको पहले दिन हमने जो भी 10-15 मिनट बिताए वहाँ पे समझा उसको, और उसमें पार्टिसिपेट लिया कि जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो उन्होंने जो कुछ भी समझाया उन्होंने फिर आगे की विधि बताई कि अगर आप इसको और अधिक समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने भक्ति काल में एक नियम था कि परमात्मा को याद करना है, तो उस टाइम परमात्मा एक शक्ति है, एक एनर्जी है, पावर है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो यही था कि गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी या कुछ ऐसे भी पुस्तक पढ़ रही, पर मैं गीता का अध्याय डेली एक रोज़ पढ़ता था, पर जब मैंने वहाँ पर कोर्स करना शुरू किया तो मेरे को पहले दिन ही जैसे आत्मा का परिचय दिया, परमात्मा का परिचय दिया, देवताओं का परिचय देने लगे। तो भाई जी उसमें मतलब प्रदर्शनी में आपको सहज ही समझ आ गया था कि आत्मा परमात्मा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इतना सहज समझ आ गया था कि, क्योंकि उसमें क्लियर दिखाया गया भगवान ने जो भक्ति मार्ग में दिखाया कि उन्होंने कहा कि ये सब आत्माएं हैं, ये शरीर सारे मरे पड़े हैं, इनको अर्जुन को जब दिखाया कि गीता का ज्ञान दिया जा रहा है तो यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि तुम शरीर नहीं एक शक्ति हो, और ये फीलिंग मेरे को बहुत जल्दी टच हुई, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद तकरीबन मैं उस स्थान पे, हमारे घर से बड़ा मैं ही था तो जाना होता ही रहता था, कोई भी शरीर छोड़ता था तो यही कहते थे कि आत्मा अजरामर अविनाशी सत्ता है, जैसे बाबा भी कहते हैं सेकंड में आपको सारी प्राप्तियां हो जाती है, तो उस ज्ञान से, उस प्रदर्शनी से आपको सेकंड में ही ज्ञान अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आने लगा। तो जो भी ये सुना हुआ था भक्ति काल में कि शरीर मिट्टी है, आत्मा अविनाशी है, तो उस चीज़ को समझते, बार बार सुना हुआ था, बार बार जितने भी कोई ऐसा शरीर छोड़ता था, जाना होता था बड़े होते हुए घर से, तो जाना था पड़ता ही था, तो वो अजर अमर तो एक सत्ता, जो अविनाशी सत्ता आत्मा को ही बताया गया, तो आत्मा के बारे में समझ आ गई सबसे पहले, और फिर उस पिता परमेश्वर परमात्मा को जिसको हमने शरीर रूप में पढ़ा, तो ध्यान कर रहे थे, तो ये बात भी बहुत जल्दी से टच कर गई कि मैं अजन्मा हूँ, ये शब्द मैंने सुन रखा था गीता में, पहला अध्याय में ही अपने आप को भगवान ने अजन्मा कहा है, और जन्म मरण में भी नहीं आता हूँ ऐसे शब्द उसमें प्रयोग। जैसे मैं ऐसे ऐसे इसको आगे बढ़ने लगे, दूसरे दिन ही ये हमारे सामने आ गया कि परमात्मा क्या चीज़ है, तो बहुत ही सहज ही आपको ये ज्ञान समझ में आ गया, बहुत ही सहज आपकी पूरी हो चुकी थी, बाबा ने आपको बुलाया और बहुत इजी आपको ये समझ आ चुका, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही जल्दी आपने ये सारी चीज़ें करके सेवाओं में आपने आप आगे आए, और जैसे कि भाई जी हम आगे देखते भी हैं कि आप जब भी मधुबन जाते हैं, कई वर्षों से हम देख भी रहे हैं आप सेवाओं से समय निकाल कर पांडव भवन में बहुत ही लगन से तपस्या करते हैं, विशेषकर आपका वहाँ क्या अभ्यास रहता है, हम ये जानना चाहेंगे। मधुबन जाने का जो है, तो मधुबन मेरे को, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को सिर्फ 15 ही दिन हुए थे कोर्स किए हुए, और 15 दिन के बाद ही मेरे को चांस मिल गया मधुबन जाने का,
ये तो बहुत ही मतलब सौभाग्य वाली बात है और बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा लगते भी हैं कि आपको 15 दिन में ही आपको चांस मिला। और उसमें महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम था, उसमें दीपा दीदी ने कहा ऐसे आप जाना चाहते हैं, तो मेरे को लौकिकता में ड्यूटी से कोई कभी मैंने वो सोचा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत होगी, मैं तुरंत हाँ कर दी दोनों ने मिलके और हमारे को सितंबर में ही चांस मिल गया। हाँ, अगस्त में ही हमने ज्वाइन किया था 23 अगस्त को, और उसके बाद सितंबर में चांस मिल गया। और वो मधुबन जाके हमने उस टाइम तो अभी पता नहीं था कुछ भी इतना, पर धीरे धीरे जब बार बार जाना हुआ तो ये पता लगा कि पांडव भवन में चार धाम की यात्रा जो है वहाँ जो ईश्वर की अपनी कर्म भूमि है, जहाँ पर उन्होंने आकर के बच्चों को संदेश देना शुरू किया था, वही पावरफुल स्थान है, तपोभूमि है, वहीं श्रेष्ठ आत्माओं का जो बाबा ने बच्चों को जिन बहनों को तैयार किया उनसे वहाँ पर पुरुषार्थ कराया। और वहाँ इतनी पावरफुल स्थान को जब मैंने समझ पाया कि यहीं पर आकर के अपने आप को सेवा में या अपने पुरुषार्थ के प्रति याद की यात्रा में जो पावरफुल स्थान है यहीं से शक्तियाँ भरनी है। तो आप भाई जी ज़्यादा, जैसे कि आपने बताया कि चार धाम आप करते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा आपका फेवरेट स्थान कौन सा है? आप बाबा रूम में बैठते हैं या फिर कुटिया में बैठते हैं या स्तंभ के आगे या हिस्ट्री हॉल में आप जाते? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये तक वैसे तो चारों धाम जो चारों स्थान हैं सारे ही पावरफुल हैं, बाकी मेन जो स्टार्टिंग से ही हम एक लगाव सा बना, जैसे ही हमने जाना शुरू किया सबसे पहले एंटर ही बाबा की कुटिया में जैसे कराया गया था, जैसे ही हम एंटर किए थे शुरू से, तो उसके बाद से यही रहा कि हमेशा ही हम जब भी जाते सबसे पहले बाबा की कुटिया में जाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि बाबा की कुटिया में जाके पहले तो चार धाम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम वहाँ सेवार्थ गए हुए हैं तो जितना अधिक से अधिक समय मिलता है बाबा की कुटिया में ज़्यादा समय बैठ के ही समय बिताया जाता है। फिर तब अपना हिस्ट्री हॉल में भी अच्छा, जब बाबा कहते हैं कि यहीं पर बाबा मुरली चलाते थे तो वो स्थान को भी पावरफुल स्थान है, तो वहाँ पर भी बैठ के तपस्या की जाती है। बाकी क्योंकि दिन में कई बार बैठना होता है तो फिर यही होता है कि कभी कहीं बैठे कभी कहीं बैठे, तो विशेषकर बाबा की कुटिया में विशेषकर क्योंकि हाँ कोशिश ये रही है अमरे त्वेला उठाऊँ तो मैं वहाँ पर आधा पौना घंटा मिलना चाहिए, क्योंकि सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं तो चांस मिल जाता था वहाँ पे, भाई खाली रहेगा तो कोशिश यही रहती है कि बाबा की कुटिया में ही अपने आप को बैठ के। बहुत सुंदर भाई जी। भाई जी आप युगल मुहूर्त होकर एक साथ ज्ञान में चलते हैं, आपके अलौकिक जीवन में मधुबहन का क्या योगदान रहता है? हाँ। ये हम जानना चाहेंगे कि हमने भी देखा आप साथ साथ क्लास में आते हैं साथ साथ सेवा में पर भी रहते हैं, तो क्या उनका विशेष योगदान है? विशेष योगदान तो बाबा ने हमें एंटर ही इस यूनिवर्सिटी में दोनों को इकट्ठे किया, तो कहा भी गया कि जो लक्ष्मी नारायण जो है कि इकट्ठे ही अपना क्या कहते हैं इसको प्रवृत्ति मार्ग में दोनों का इकट्ठा ही रोल है लक्ष्मी और नारायण का, तो कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी मेरे को सेवार्थ चांस मिल रहा है कि हम दोनों इकट्ठे जाएं। बाय चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है घरेलू परिस्थिति में तो फिर कभी अलग भी जाना होता है ताकि बैलेंस बना रहे घर का। आप दोनों एक दूसरे के साथ सेवा में भी बैलेंस बना के रहते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं ताकि पीछे से भी कोई डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की लौकिकता में ना आए। लौकिकता में जैसा कि मधुबहन का सहयोग यही रहता है कि हम परिवार में फैमिली में चार मेंबर हैं, जब हम ज्ञान में चले थे तो उनका भी बहुत सहयोग है कि वो हमें पूरी तरह से फ्री कर रखे हैं कि आप कहीं भी आना जाना चाहो तो आ जा सकते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं। बाबा से स्नेह है जो कि बाबा से स्नेह है क्योंकि उन्होंने भी बाबा को पहचाना तो है ही, और पहचान करके ही उनको समझ मिली है कि अब इन हमारे पिता या माता को
इस कार्य में बिजी रहना चाहिए, अधिक से अधिक समय देके बाबा के कार्यक्रम में सहयोग देते रहे। सहयोग यही रहता है कि अब दोनों मुरली सुनते हैं तो जो कुछ भी हम रोज़ मुरली में पॉइंट आते हैं, कोशिश रहती है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ कुछ पॉइंट हम आपस में मिल करके उसको डिस्कस कर लेते हैं और उस पर चलने की भी कोशिश करते हैं। और जैसे भी हमें नियम फॉलो करने होते हैं तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का नियम है, जैसे भोजन बनाने का ही है, भोजन खाने का ही है, दूसरों को खिलाने का है, तो जैसा सात्विक भोजन हम खाएं ऐसा ही हम दूसरों को खिलाएं, यही घर में कोशिश रहती है। चाहे कोई घर में रिलेटिव आए तो चाहे हम अपने लिए बनाएं, चाहे अपने ही हाथ से मुझे भी बनाना पड़े, घर में कोई नहीं है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उसको भी ब्रह्मा भोजन ही मिले, ताकि हमें उसके लिए कहीं इधर उधर जाके दूसरा, सात्विक भोजन पर ही हम पूरा निर्भर करते हैं। अगर मैं घर पे हूँ तो मैं बना करके खुद भी खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। अगर कोई भी परिस्थिति आ जाती है, कभी घर में शारीरिक व्याधि भी हो जाती है, तो दोनों मिलके आपस में इस कार्यक्रम आपस में एक दूसरे में सहयोग देते रहते हैं। बहुत सुंदर भाई जी। तो भाई जी, मधुबन हो या रजौरी, आप सेवाधारी भाई बहनों के लिए एक आदर्श हैं। रजौरी गार्डन के सभी युवा सेवाधारी भाई बहनों के लिए आपका क्या कहना है? ओम शांति। जो मैं यहाँ पर आकर के देखता हूँ कि जो युवा संगठन है यहाँ का, सभी मिलजुल कर हर कार्य में इकट्ठे होकर के बहुत निर्विघ्न हर कार्य को सफल कर लेते हैं, और सब किसी में भी किसी भी इसी प्रकार का मैपन नहीं है, किसी को मान शान या मैं अपने आप को आगे होकर के दिखाऊं ऐसी कोई भावना किसी में नहीं है। मैं युवा भाई बहनों के लिए या रजौरी गार्डन के संगठन के लिए यही कहना चाहूँगा कि सभी बाबा के कार्य में सबको अपना अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि कोई भी कार्य हम अपने इस संगठन में, रजौरी गार्डन क्षेत्र में या दिल्ली जोन के क्षेत्र में कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो सभी मिलजुल कर सहयोग दें, जिससे कि वो कार्य निर्विघ्न सफल हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक भाई जी आपका, आप आए और हम सभी के साथ अपने प्रेरणादायक इतने सुंदर अनुभव शेयर किए, आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इनवाइट करके ये मौका दिया अनुभव सुनाने का, और पूरी टीम का, जो भी इस टीम में मेरा अनुभव की टीम है, उन सब का धन्यवाद। तो आप सभी ने सुना कैसे अशोक भाई जी लौकिक और अलौकिक का बहुत ही सुंदर बैलेंस रखकर हर प्रकार की सेवा में एवर रेडी रहते, याद की यात्रा पर पूरा टेंशन रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ओम शांति। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बढ़ाने वाला।